हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके आज के टॉपिक में लगाया गया है, वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा करेंगे आज हम लोग। उसके साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करेंगे। फिर तीसरी टॉपिक आती है आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतने तीन टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट, और इन तीनों टॉपिकों को पढ़ने से पहले उम्मीद करते होंगे कि जो डियर स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आइए आपके समय को गंवाए बिना क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। पहले समझ लेते हैं, फिर तो बाद में लिखना तो हमेशा है। आइए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। सबसे पहले आपकी टॉपिक है क्या? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, आप ऐसे समझिए। इसमें क्या होता है जानते हो? इसमें कुछ क्या होता है, ये एक प्रकार का निकाय होता है। क्या होता है? एक प्रकार का निकाय होता है जिसपे समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से यानी एक दूसरे के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए, 2L हो गया। जैसे अगर मान लीजिए इस पर -2q आवेश है तो इस पर +2q आवेश हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2D। तो ये पूरा निकाय, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बार डियर गाइस, हमने क्या बताया, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें समान परिमाण वाले आवेश व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आइए अगर हम लोग लिखना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या लिख सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर रहते हैं या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आप अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो ज़रूर एक बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? हमने क्या बताया भैया, हमने आपको बताया ना कि एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम, हमने मान लिया कि ये कोई एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसपे क्या रख दिए, एक +q चार्ज रख दिए, एक -q चार्ज रख दिए, और बीच की दूरी क्या कर दिए, 2L कर दिए। तो ये पूरा सिस्टम जो आपने तैयार किया, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण या जैसे कि जानने के लिए क्या, जैसे HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया। तो H+ और Cl क्या होता है, माइनस होता है। फिर क्या हो गया, H2O हो गया, क्या हो गया, H2O। फिर HBr इत्यादि बहुत सारे मिलेंगे आपको वैद्युत द्विध्रुव का एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो आपकी वैद्युत द्विध्रुव होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं, आइए दूसरे टॉपिक की। दूसरी टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप पढ़ लिए, अब आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। इसको हम लोग मूव कर देते हैं। आइए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यही समझ लीजिए क्या है कि देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित ये पूरा निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आप कहेंगे, इस पूरे निकाय को आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित
किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका परिमाण हो चाहे इसका परिमाण हो, तो किसी एक आवेश का परिमाण और जो बीच की अल्प दूरी है के गुणनफल को, और बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से। आइए ध्यान से समझिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी टॉपिक है। आइए समझते हैं, हमने एक बार क्या कहा आप समझिए, क्या कहा? वैद्युत द्विध्रुव में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण क्या मान ले? Q, किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा बीच की अल्प दूरी, तथा बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी कौन है? 2L है, 2L के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसे किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। तो लिख देते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे P से व्यक्त करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं, इसके व्यंजक क्या हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या पढ़े थे? किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण कौन है? क्यू है, कोई भी क्यू हो, तथा बीच की अल्प दूरी, तथा बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी कौन हो गया? अल्प दूरी हो गया 2L। इसे आप किसे पी से व्यक्त करते हैं? तो पी बराबर क्या आ गया? क्यू इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया? फार्मूला। ध्यान समझिएगा, इसके मात्रक की चर्चा करते हैं। इसके हम लोग क्या करते हैं? मात्रक की चर्चा करते हैं। तो भाई मात्रक क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम, साथ में क्या होता है? 2L, तो 2L का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो कूलाम मीटर हो गए। ध्यान से समझिएगा, एक अगला नोट पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट आप बना सकते हैं, नोट पॉइंट कह सकते हैं कि इसका मात्रक डेबाई भी होता है। क्या होता है इसका मात्रक? क्या होता है? या तो एक मिनट गाइस, मात्रक निकालने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं बीमा की। तो बीमा क्या हो जाएगी? क्यू, क्यू की बीमा क्या होती है? ए टी होती है। आवेश की बीमा ए इंटू टी, और एल की बीमा क्या हो गई? एल। तो आप इसे व्यवस्थित करेंगे तो आप लिख सकते हैं एल टी ए, यानी इसकी जो बीमी सूत्र होगी वो एल टी ए होगी। एक बात और आप गौर से ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव डेबाई किसका मात्रक है। तो डियर स्टूडेंट बता देना चाहते हैं, डेबाई और किसी का मात्रक नहीं, वो आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ध्यान नोट पॉइंट में लिखेंगे कि इसका मात्रक, इसका मात्रक डेबाई भी होता है। क्या होता है? डे बाई, डे बाई भी होता है। क्या होता है? भी होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब दूसरी बातें क्या है कि एक डे बाई बराबर क्या होता है? तो एक डे बाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 घाते माइनस 30 कूलाम, कूलाम मीटर। ये हो गए आपके एक डे बाई बराबर।
तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समाप्त हो गए प्यारे बच्चों। तो तीसरी टॉपिक आपकी क्या है देख लिए होंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट, मन लगा के ध्यान लगा के इस हेडिंग को पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है आपका। तो चलिए ना, तो सबसे पहले आपको जब पेपर में क्वेश्चन पूछा ऐसे तो पूछेगा नहीं, पूछेगा कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ लिया, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो न तो डरना है न तो हड़बड़ाना है, क्या करना है, सबसे पहले आप करेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो अभी इससे पिछले वाले टॉपिक आपने पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसपे समान परिमाण, क्या समान परिमाण व विपरीत आवेश, ध्यान समझिएगा, समान परिमाण व विपरीत आवेश। तो एक प्लस क्यू होगा तो एक क्या होगा, माइनस क्यू होगा। इतनी बातें समझ में आई, समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये दूरी हमने दिखा दिया, इसका नाम ए और क्या नाम दे दिए, बी, वैद्युत द्विध्रुव बना लिए। फिर करा के कारण अच्छी रेखा, तो प्रश्न बनता है अच्छी रेखा क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है। मैंने क्या बताया भाई साहब, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कह देंगे, ये ध्यान से समझिएगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है। तो हमने कहा कि ये इसकी अच्छी रेखा हो गई, जरूरी नहीं ये अच्छी रेखा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो अच्छी रेखा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, आप दोनों आवेशों के अच्छी रेखा पर एक बिंदु क्या है, P है, दोनों आवेशों के अक्षीय रेखा पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु क्या मान लिए, O मान लिए, और O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु का है, P है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जैसे मध्य बिंदु O माने, ये दूरी क्या हो गई, बट गई, जो 2L थी, एक मिनट ध्यान से समझिएगा, जो 2L थी वो आधा आधा बट गई, ये L दूरी इधर की हो गई और L दूरी क्या हो गई, इधर की हो गई, ध्यान से समझिएगा, ये L इधर हो गए और L दूरी इधर हो गई, इतनी दूरी जो 2L थी वो दूरी LL में बढ़ गई। इतनी बातें समझ में आई, अब एक बात आप और समझ लीजिए इसी के साथ साथ, अब आपसे मैं हम आपसे पूछें कि अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, A से लेके P की दूरी चाहिए, तो यहाँ पूरी R है, तो इतनी दूरी बढ़ रही है, तो इतनी दूरी क्या है, L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R प्लस L हो जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मुझे केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तब तो पूरी दूरी R है, हमको इतना चाहिए तो इतना कम कर देंगे, तो यहाँ L कम कर देंगे तो R में से L कम कर देंगे, तो इतनी दूरी क्या हो गई, R माइनस L हो गई। इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो आगे हम लोग चलते हैं, डायग्राम एक बार और समझा देते हैं आपको एक मिनट के लिए। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु का है P है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो उसके दिशा पहले ज्ञात करेंगे। अब बताओ इस पे इमेजिन करते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, अब क्या करेगा, ये माइनस वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसको माइनस वाला अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, इसका नाम B के कारण लग रहा है, इसका नाम EB हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो ये प्लस वाला है, प्लस वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो प्लस वाले के द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ हो गया, ई ए हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, इसलिए जो पी पर परिणामी होगा
वो घट जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पीपा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी जोड़ी नहीं जाएगी बल्कि क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। बातें क्लियर हो गई? तो आइए जो आपने बनाया है सोचिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, देख रहे हैं ए बी है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है भैया, ज्ञात करनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतना आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा गया है, आगे आपको कुछ लिखना भी नहीं है, ज़्यादा नहीं। अब आप सोचिए, चले तो ईए निकाल लें, ई बी निकाल लें, घटा देंगे, परिणामी मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए, ईए किसके कारण है, ईए देखिए प्लस क्यू के कारण है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ई ए है। आपने फार्मूला पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण, 1/4πε0Q/r² है, तो यहाँ क्यू है और बटे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो बीच की दूरी आर स्क्वायर होता था, पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर नहीं बल्कि ए पी है, तो यहाँ ए पी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर आप देख रहे होंगे चित्र से, ए पी बराबर क्या पता चल रहा है, ए पी बराबर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, आर प्लस एल है। तो ये मान आप यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ई ए बराबर 1/4πε0Q/ap के स्थान पे आर प्लस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर। समीकरण नंबर आप क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? अब क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण तो निकाल लिए, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बी बराबर 1/4πε0Q/ इस बार बीच की दूरी कौन है, इसके और इसके बीच की दूरी बी और क्या है, पी है, तो पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो पी बी है वो किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है आर माइनस एल, तो ये मान आप यहाँ पर रख देंगे तो ई बी बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 फिर क्यू बटे क्या हो जाएगा, पी बी, पी बी कितना है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2, देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक, तो क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आपने ई ए ज्ञात कर लिया, ई बी ज्ञात कर लिए, अब अगले टॉपिक, अगले क्या निकालना है, अब डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे, पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, अतः
बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, ध्यान से समझिएगा, ई बराबर, हमने कहा था परिणामी इनकी घट जाएगी, क्यों, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, तो परिणामी क्या हो जाएगी, ई बी, क्या हो जाएगा, ई बी, ई बी माइनस क्या हो जाएगा, ई ए, ई बी माइनस क्या हो जाएगा, ई ए। अब ई बी और ई ए का मान हम रख देते हैं, तो ई बी का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, ई बी का मान कितना है, ई बी का मान है 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू बटे क्या है भैया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये ई बी का मान आया। फिर ई ए का मान क्या है, 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ई ए का मान हो गया, रख लिए इतनी बातें। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में कुछ चीज कॉमन है, एक तो q कॉमन है दोनों में, एक 1/4πε0 कॉमन है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो q बटे 4πε0 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, क्या बचा, जब सब बाहर आ गया तो अंश में एक बचा है और नीचे बचा है r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी वही, ऊपर अंश में एक बचा है, हर में r प्लस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये तो भिन्न के घटाने हो गए, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए q बटे 4πε0, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, और इसको भी r प्लस एल का होल स्क्वायर ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे, तो इनका मल्टीप्लाई आप इनसे करेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनसे, तो किसी का एक से मल्टीप्लाई करने से वही आता है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग कुछ सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र ये है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर उपयोग करने वाले हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला और उपयोग करेंगे हम लोग, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, इतने सूत्रों का उपयोग यहाँ पर करेंगे। अब आइए ध्यान समझिए आगे क्या होता है, q बटे 4πε0, ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आ ए के स्थान पे r है, b के स्थान पे l है, तो r का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल, तो इसका प्रसार करेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr आ जाएगा, 2rl एक ही होते हैं। आगे क्या है, फिर माइनस है, ध्यान से समझिएगा, इसका प्रसार करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lr। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे ध्यान से समझिएगा, अब पूरे के बटे, ये देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ r का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, l का स्क्वायर, और पूरे के होल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक, ये हो गई। अब आगे आप ध्यान समझिएगा, इसको हल करते हैं, q बटे क्या आ गया, 4πε0 आगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो r स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई किए तो माइनस l स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 2lr। अब है आगे बटे में क्या लिखते हैं, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखिए प्लस वाले माइनस को कैंसिल, प्लस वाले माइनस को कैंसिल, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, 2lr 2lr मिलके हो गए 4lr, बहुत गर्मी है, ठीक, देखिएगा
अब इसको हम लोग लिखते हैं, क्या इसे हम 1/4πε0 लिख दें इनटू क्यू लिख दें, साथ में आगे दिखेगा कितना आया, 4LR आया, 2LR, 2LR प्लस कर दिए 4LR, फिर आर स्क्वायर कितना आ गया, ध्यान से समझिएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग जरा सा व्यवस्थित करते हैं, आइए इसको भी व्यवस्थित करते हैं, ठीक, अब व्यवस्थित करते हैं, क्या करेंगे व्यवस्थित, अब आप व्यवस्थित करेंगे कि 4LR को क्या हम लोग 4 जो L है उसको क्या 2×2L नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते क्योंकि 2×2=4L हो जाएगा, तो इस 4L को हम लोग 2×2L लिखने वाले हैं। तो आइए व्यवस्थित करते हैं, E बराबर क्या हो गया, 1/4πε0, फिर क्या है, Q है, तो Q को इस बार हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं, Q इंटू 4L को लिख रहे हैं 2L इंटू कितना हो गया 2, ध्यान से समझिएगा, और आगे क्या था, R था, आगे R था, बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतनी बातें समझ में आई। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया था कि जो Q इंटू 2L होता है वो किसके बराबर होता है, P के बराबर, किसके बराबर होता है, P के, किसके बराबर होता है, P के, ये P हो गया, तो क्या फार्मूला बन गया आगे, क्या बना फार्मूला, सोचिए, E बराबर 1/4πε0 2πr, इतना p हो गया ना, तो 2πr बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो रहा इस वाला अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि मान लेते हैं, यदि यहाँ स्थिति लगा दें, का लगा दें, यदि यदि मड़ही के सामने बिल्डिंग के सामने मड़ही की तुलना नहीं होती, जैसे आपको अच्छे से बिल्डिंग मिल जाए और मड़ही मिल जाए तो आप कहोगे मड़ही को मारो लात बिल्डिंग को पकड़ो, तो वही यहाँ भी है, यदि हम मान ले आर दूरी के तुलना में यल दूरी, यल जो दूरी है वो नगण्य है, देख पा रहे होंगे आर काफ़ी बड़ा है यल से, तो यदि यदि जो आर है वो एल से का हो काफ़ी बड़ा हो यानी यल छोटा हो, तब हम का करेंगे जानते हैं, तब L की उपेक्षा कर देंगे, L की क्या कर देंगे, उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने का मतलब भैया इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हम भूल जाएंगे। तो अब बताओ जब L की क्या कर दोगे, उपेक्षा कर दोगे, तो L यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, L क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास क्या फार्मूला बचेगा लास्ट, E बराबर 1/4πε0 2πr बटे ये एल खत्म है, एल जीरो हो गया लगभग, एल करने पर अर्थात यहाँ लिख सकते हो आप अगर भूल गए तो, एल जो है लगभग जीरो हो गया है, तो जीरो हो गया, 2πr बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर घाते कितना है 2, ठीक, तो ये 2×2 कितने हो गए 4, 1/4πε0 2πr बटे 2×2=4, आर घाते 4, एक आर कैंसिल कर दिए, तो लास्ट फार्मूला आया E बराबर 1/4πε0 2π/r³। ये आपका यहाँ तक ये अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो जहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, बीच की दूरी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो 3 नंबर का हेडिंग था वो समाप्त हो जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, चलें, हाँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके मन में ये विचार बन रहा होगा कि इतनी लंबी हेडिंग लिखने से 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो नहीं डियर स्टूडेंट, लंबी नहीं है, केवल थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो आप जानते ही हैं क्या करने वाले हैं कि चैनल को आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग इस चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा, धन्यवाद।